be mine, mine, I'll be mine, I'll be mine, I'll be mine. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अभी रशीद, थर्ड ईयर एबीबी स्टूडेंट फ्रॉम फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड हमारे आजकल सेंडअप्स और प्रॉफ चल रहे हैं, और आपको पता है मेडिकल स्टूडेंट्स की सर्दियाँ हमारी प्रॉफ के अंदर गुजर जाती हैं। तो खैर ये एक अलग हम इसमें कभी बाद में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा प्रॉफ के स्ट्रेस से रिलेटेड ही है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वो जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगी इस टाइम पर, और बट मेरे ख्याल में मैं फर्स्ट ईयर से ज़्यादा अपने सेकेंड ईयर में ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी, क्योंकि सेकेंड ईयर का सिलेबस बहुत बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पर एनाटमी का ना। थर्ड ईयर तो बस हम जैसे कहते हैं थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो अब कोई डर वर नहीं लगते, ठीक है, सब कहते हैं कि बस जो हुई जा रहा है, क्योंकि यू नो हमने कुछ अपने इन सालों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं जिसकी वजह से अब हमें एग्ज़ाम का इतना डर नहीं होता। ख़ासतौर पर मुझे पता नहीं, मुझे तो होता ही नहीं ना अब। अगर मैं आपको बताती हूँ कि मैं चिल क्यों रहती हूँ एग्ज़ाम के टाइम पर, मैं वीडियो में आपको बताऊँगी, तो आप अपने कमिंग ईयर्स जो है उनके अंदर ये चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका सारा साल जो है वो एक कांस्टेंट मेहनत रहे, और आप जो है वो इस टाइम पे प्रॉफ के या स्टैंडअप के टाइम पे आकर इतने स्ट्रेस्ड आउट ना हो। तो कॉपी पेंसिल पकड़ लें और लिख लें। सबसे पहली चीज़ तो ये मैं बताना चाहूँगी कि आपने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। यूनिवर्सिटी हर मेडिकल कॉलेज होते हैं अपने हर साल के अंदर टेस्ट लेती रहती है। जैसे हम थर्ड ईयर में हैं, मैंने फार्माकोलॉजी को मतलब सब कहते हैं रोते हैं फार्माकोलॉजी बहुत वोलेटाइल है, ये है वो है, बिल्कुल है वोलेटाइल, लेकिन उसके लिए आपने उसको और सिलेबस भी ढेरों ढेर है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, शॉर्ट लिस्टिंग। द नंबर वन की इज टू शॉर्ट लिस्ट द थिंग्स। जी हाँ, आज मैं CVS पढ़ी थी, तो ये एंटी अरिदमिक, शायद आपको उल्टा नजर आएगा, हाँ ये एंटी अरिदमिक ड्रग्स हैं। ये पूरा चैप्टर जो है वो 3 सफ़ों का था, मैंने इसको एक सफ़े के ऊपर इसको प्रिसाइज फॉर्म में लाइक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेपेटिक यूजेस, साइड इफेक्ट्स एक पेज के ऊपर लिख ली हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने काफ़ी सारे जो CNS अपने जो टॉपिक्स हैं इनके उन सब की शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है, इस तरह से चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। को शॉर्ट लिस्ट करने का मकसद यही होता है कि आप एंड पर, अब लिटरली अगर मैं इसको बुक से पढ़ती तो पहले तो मुझे 2 घंटे तक डिप्रेशन होता कि यार 3 सफ़ों का पेज, तीन, तो उसको आपने पढ़ना है, उसको देख के आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आप सोचेंगे यार इतना करना है डिप्रेशन, ठीक है। जब आप ये पेज देखेंगे ना कि यार ये पेज मैंने करना है, और ये घंटे में हो जाता है लिटरली, ये आप घंटे में इसको रिवाइज कर सकते हैं। कहाँ आपको 6 पेजेस करने में कोई 2-3 घंटे आपके ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, और कहाँ आपने ये 1 घंटे में सारा पेज करके, और इवन जिन एंड पर तो बिल्कुल आधा घंटा लगता है उसको रिवाइज करने में। चीज़ें हर जगह कंसाइज की हुई है, और ये काम आपने ज़ाहिर साल के में ही होगा ना, ये अब एंड पे जाकर आपकी हिम्मत है अगर आप स्टैंडअप्स के टाइम पे कर लें या जो भी कर लें, तो द की इज़ दैट। तो यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैंने अपनी एनाटमी की हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी दोनों के इसी तरह के नोट्स बनाए थे, यानी चीज़ों को कंसाइज करके पढ़ा था। और इसका फ़ायदा ये था कि मैंने 3 दिन के अंदर अपनी 3 दिन दिए थे MBO और हिस्टो को, और आप सोच रहे होंगे वो 3 दिन ज़्यादा है, नहीं जी 3 दिन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको एंड पे इतने ज़्यादा सब्जेक्ट की सैचुरेशन हो जाती है कि वो 3 दिन में आप बड़े मुश्किल से वो चीज़ों को, फिर भी कंसाइज करने के बाद भी आप 3 दिन में बड़ी मुश्किलों से करते हैं चीज़ों को, तो एक फ़ायदा ये हो गया कि चीज़ों को कंसाइज करना है आपने। अभी तो मैं नहीं सजेस्ट करती कि आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, अगर तो आप अभी भी इसको चीज़ों को छोटा कर सकते हैं तो आप कर लें। खैर मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि जैसे कहते हैं ना हर मेडिकल स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट इन अ सेंस के देखें, कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल एंड पर आकर मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं, तो मुझे उन पर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना रश्क आता है ऐसे लोगों पर कि सारा साल ना पढ़ने के बाद एंड पे कुछ 2 महीने पढ़ने के बाद पास हो जाते हैं, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। मुझे एक कॉन्स्टेंट मेहनत करके ही जो है ना अपना गोल अचीव करना होता है, और फिर मैं स्ट्रेस्ड आउट नहीं होती, क्योंकि मैं बिल्कुल एंड वाला स्ट्रेस कभी मैनेज नहीं कर पाती। मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं वो एंड पर पढ़ के भी पास हो जाती हैं, आई वंडर हाउ। दूसरे स्टूडेंट्स की कैटेगरी का बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं और स्ट्रेस की कंडीशन में आके पढ़ना शुरू करते हैं, पहले साल वो प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं ना, उनके लिए ये तो उनका ये होता है कि मेरी फ्रेंड कहती हैं जो कि प्रोकेस्टिनेशन की क्वीन है, तो वो कहती हैं कि उन एंड पर वो इसीलिए पढ़ पाती हैं कि एंड पे स्ट्रेस की वजह से ना आपके दिमाग की ऐसी विंडोज़ खुलती हैं कि आप चीज़ कर लेते हो। और मैंने थर्ड ईयर में ये चीज़ अपनाई है कुछ में ना, मैंने बिल्कुल ये इसी टेक्निक को अपनाया है, एंड वाकई इट रियली वर्क्स। और आपके काम जो होते हैं ना स्ट्रेस की वजह से आपको चीज़ें ज़्यादा ग्रैस्प हो रही होती हैं,
बट वो रिटेन ज़्यादा देर की नहीं रहती। इसका एक नुकसान ये होता है, आप टेस्ट तो पास कर लेंगे बट वो रिटेन नहीं रहती। तो बच्चों बस ये बोलूँगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के एनाटमी, मुझे पता है आप बहुत तंग हैं एनाटमी से, लेकिन अपने इस टाइम को सर्वाइव करना है, क्योंकि जो प्रॉफ है उसमें आपको करना ही सर्वाइव होता है बस, क्योंकि नथिंग कैन सेव यू देन बींग सेन मेंटल स्टेट थ्रू आउट द प्रॉफ। क्योंकि अक्सर लोग स्ट्रेस की वजह से कि पता नहीं क्या हो जाएगा प्रॉफ में, पता नहीं क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, नहीं, हर इंसान सारा साल कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा ना, तो आप कैसे ये समझ सकते हैं कि आपको जो है वो प्रॉफ का टाइम आपका आपके साथ कुछ खुदा ना खास्ता गलत हो जाएगा, आपको नहीं आता होगा। बच्चों सब कुछ हो जाता है, हम भी यहाँ पे करके पहुँचे हैं, जो लोग पीछे है गुजर रहे हैं वो भी करके पहुँचे हैं, तो आप लोग कर लेंगे यार, मतलब कुछ नहीं होता इस चीज़ के लिए। आप इतना स्ट्रेस्ड आउट ना हो कि अपने आप को एडिक्टेड कर लें अक्सर चीज़ों के लिए। लाइक कुछ लोग बहुत मतलब मैं अपना बताती हूँ कि मैं बहुत कॉफ़ी पीने लगी थी कि मेरी कॉफ़ी के लिए टॉलरेंस ख़त्म हो गया, मैं पी ही नहीं सकती, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ के बस जागते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। बीबीएस में होता है, और अब आप बोलेंगे अच्छा यार हार्डवर्क इन चीज़ों को छोटा करके पढ़े हो, इसका क्या फ़ायदा और ये वो फलाना। तो भाई देखें, अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता कि वो किताबों को रटता रहे और उसको सारी इन्फॉर्मेशन आए। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो कि डिफरेंट उसके पास नॉलेज हो, उस नॉलेज को वो एक तो कोरिलेट करे ठीक चीज़ों के साथ, और इनको कोरिलेट करके अपने लिए एक उसकी अंडरस्टैंडिंग हो उसको, क्योंकि MBBS इज ऑल अबाउट रट्टा। आप रट्टा करके भी, आप डिस्टिंक्शनें लेकर भी हो सकते, सब कुछ कर सकते हैं, बट आपने चीज़ों को कितना कोरिलेट किया और कितना आपने उनको समझ के पढ़ा, ये आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाते हैं। आई नो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का प्रॉफ बहुत बुरा होता है, अभी थर्ड ईयर का भी आ रहा है बट मुझे इतना डर नहीं लग रहा उसका, लेकिन मेरा तो बहुत मुश्किल टाइम था ज़िंदगी का वो, और अल्लाह का शुक्र है सर्वाइव कर लिया वो, और कर रहे हैं, चल रहे हैं आगे। इन प्रॉफ के टाइम पर मेरा मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब होती है, मतलब इतना कुछ चीज़ों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना, मैं एक सेकंड का शोर बर्दाश्त नहीं करती, मतलब मैं ड्रम बजा के जा रहे होते हैं, मेरे दिमाग में ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे यहाँ पर कान में आकर वो बात की, मतलब वो एक हॉर्न बजाया, इतनी तेज़ आवाज़ आती है, और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट ट्रस्ट मी यू विल गो थ्रू दिस। वाइवा से रिलेटेड बहुत किस्मत डिपेंडेंट होता है, ये हम सबको पता है, बट मैं वाइवा के लिए आपको एक टिप दे रही हूँ, वो प्रो टिप है, और ये टिप आपको कोई नहीं देगा, और ये देगी आपकी बहन आपको टिप, और वो टिप ये है कि आपने वाइवा में क्या पढ़ के जाना है, गेस करें क्या पढ़ना है आपने, क्या आपने तहज्जुद पढ़ के जानी है। जी जी हाँ, क्योंकि ये आजमूदा है मेरा, मेरे से जो भी कोई पूछता ना वाइवा में कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, मैं कहती हूँ बेटा तहज्जुद पढ़ के जाओ, ओनली तहज्जुद कैन सेव यू, क्योंकि इतनी किस्मत पे आपके डिपेंड कर होता है। अच्छा मेरा ये सीन है, मैं थोड़ी ना सेकंड ईयर में आके बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बागी और कह लो क्या कैसी हो गई, कि मैंने कहा कि मुझे मेरी नॉलेज में कोई मसला नहीं है, पर जो वाइवा एग्जामिनर होते हैं हम सबका एटीट्यूड हमें पता है क्या ही होता है, जिन्होंने वाइवा दिया उनको पता होता है, अब वो फजूल में आपकी बेइज्जती करते हैं, ठीक है आपको नहीं आता ये नहीं होता, तो मैं कहती हूँ कि मेरा जो बट एग्जामिनर मेरी इंसल्ट ना करे, तहज्जुद में मैं दुआ करके जाती थी, एंड लिटरली मेरे से पहले और बाद वाले लोगों का मैं पूछती थी ना, तो कहते थे यार इतनी मैम ने बेइज्जती की है ये की है, और मुझे कभी किसी टीचर ने यानी सेकंड ईयर में मुझे किसी ने उफ तक नहीं बोला कि तुमने ये गलत किया या बेइज्जती जैसे कहते हैं ना फजूल में टिक करती है, साइन मिल जाता है कि अल्लाह ताला ने आपको की दुआ कबूल कर ली है, तो काइंड ऑफ मेरे साथ ये हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ये थर्ड ईयर में भी ट्रिक इंशाल्लाह अपनाऊंगी, और आप भी अपनाइएगा और देखना, पढ़ के ज़रा जाना ऑब्वियसली जो है ना आपने अपना वो जैसे कहते हैं ना कि तवक्कल अल्लाह ताला पे, लेकिन ऊँट बांध के जाना है, यानी अपना हिस्से का काम करके जाना है, बट तहज्जुद भी पढ़नी है इंशाल्लाह, पढ़ के भी जाएंगे तहज्जुद भी पढ़ के जाएंगे ना, तो आपकी डिस्टिंक्शन पक्की है इंशाल्लाह। तो जी मुझे लगता है कि इतनी तसल्लियाँ बहुत हैं, मैंने कुछ ज़्यादा ही एम्फेसिस कर दिया और मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें आपको बता दी हैं, तो काइंड ऑफ इसको अपडेट भी ले लीजिएगा कि आजकल मेरे स्टैंडअप्स हो रहे हैं, तो शायद इसलिए बाहर के व्लॉग्स वगैरह कम हैं, और इंशाल्लाह अब जब वैसे मैंने मेरा प्लान है कि मैं स्टैंडअप्स के अपने व्लॉग्स वगैरह शूट करूँगी डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सूरत हाल होती है, तो इंशाल्लाह वो व्लॉग आपको मिलेंगे और ये फोर्थ ईयर में, और इस इंट्रो के साथ के इंशाल्लाह इस इंट्रो के साथ के अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी हरशीद फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो बस दुआओं में याद रखें और मेरे सेंडअप्स के लिए और प्रॉफ के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआएं बहुत काम आती हैं। देखते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह खैरियत और ईमान के साथ ज़िंदगी रही, तो अल्लाह हाफिज़।